Good morning, dear students. Welcome to MDPS. Here is the science lecture for class 6th. Today we will start our first chapter. Name of chapter: Inside the Food World. This is very interesting name of the chapter. It means ke hum isme food ke related topics ko cover karenge. Isme hum is चैप्टर में इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि फ़ूड की ज़रूरत क्यों होती है और कौन कौन से फूड के सोर्सेस हैं, मींस हमें फ़ूड कहाँ कहाँ से मिलता है और प्रोड्यूसर्स क्या, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग हैबिट्स कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, राइट. हम इसमें ये सारे टॉपिक्स को आज कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाई वी हैव नीड ऑफ फूड. हमें फूड की क्यों ज़रूरत है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड टू रिमेन अलाइव एंड एक्टिव. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, किनको बोला जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो जैसे ह्यूमंस हैं, हम लोग हैं, हमें ग्रो करने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है. हम ब्रीथ लेते हैं, हम सांस लेते हैं, ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, ये सारी थिंग्स को हम बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इनको अलाइव एंड एक्टिव रहने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है. सो नेक्स्ट इज, हमें फूड कहाँ से मिलता है. पहले तो फूड की बात होगी कि फूड क्या होता है, क्यों इसकी ज़रूरत है. नेक्स्ट इज Why हमें फूड कहाँ से मिलता है, राइट. देर आर बेसिकली टू सोर्सेज ऑफ फूड फ्रॉम टू सोर्सेज फ्रॉम विच फूड इज ऑब्टेन्ड. यहाँ पे टू टाइप है फूड की, यहाँ से हमें फूड प्रोड्यूस होता है, हमें फूड ऑब्टेन करते हैं हम. कौन कौन से एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड. एक तो हमें एनिमल से फूड मिलता है एंड सेकेंड प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड. अब हमें आइडिया हो गया कि हमें जो हम जो फूड खाते हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है. एक एनिमल से एंड सेकेंड इज प्लांट से. सो यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी है आप लोगों के लिए. आप लोगों ने यहीं पे वीडियो को पॉज कर देना है. पहले आपने जो एक्टिविटी दी हुई है उसको रीड आउट करना है. मैं उसको समझाती हूँ कि उसमें क्या करना है. फर्स्ट एक्टिविटी में लिखा है मैंने, लिस्ट ऑफ फूड आइटम That was consumed by you in the previous day in your breakfast, lunch and dinner. आप लोगों ने एक लिस्ट बनानी है कि आप लोगों ने yesterday, कल अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, लंच में क्या खाया था और डिनर में क्या खाया था. उनकी आपने एक लिस्ट बनानी है, ब्रेकफास्ट के अलग, लंच के अलग एंड डिनर के अलग, राइट. जब आपने वो बना ली, देन मूव टू सेकेंड पार्ट, टू सर्कल द फूड आइटम ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट. जो फूड आइटम्स आपको प्लांट से मिली, जो फूड आइटम्स आपको प्लांट से मिली, जैसे आपने फ्रूट खाया, वेजिटेबल्स खाई, वो कहाँ से मिलती हैं हमें, प्लांट से मिलती हैं. उन फूड आइटम्स को आपने करना है सर्कल, उसके ऊपर में एक सर्कल ड्रॉ कर देना है. एंड नेक्स्ट, एंड ट्रेंगल द फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स. जो एनिमल्स से हमें मिलती हैं उनके ऊपर में आपने ट्रेंगल की शेप ड्रॉ करनी, राइट. नेक्स्ट, इसके लिए आपने एक साइंस के अलग से नोटबुक लगा लेनी है. उसके ऊपर में पहले आपने एक्टिविटी वन लिस्ट बना के सेकंड में उसके ऊपर में सर्कल और ट्रेंगल ड्रॉ करना है. इज दैट क्लियर. सो मूव टू नेक्स्ट. जैसे हमने बात की कि हमें फूड के सोर्सेज कौन से हैं, एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड. सो फर्स्ट हम करेंगे प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड. प्लांट्स से हमें फूड जो मिलता है वो प्लांट के किस पार्ट से हमें फूड प्रोड्यूस होता है. सो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे मैंने मेंशन किया कैटेगरी, कैटेगरी के सामने लिखा है प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स मीन्स जो हमें प्रोड्यूस, कुछ ना कुछ फूड आइटम्स हमें, जैसे हम अभी प्लांट्स की बात कर रहे हैं,
प्लांट से हमें क्या क्या चीजें मिलती है, वो हमें प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर की बात की है हमने कि फूड आइटम्स हैं जो हमें प्लांट से मिलती हैं, वो प्लांट के किस पार्ट से मिल रही है। सो लेट स्टार्ट विद फर्स्ट, फर्स्ट इज एलमंड। एलमंड क्या होता है? बादाम। पल्स क्या होती हैं? जो दालें होती हैं जैसे वाइट चने, ब्लैक चने, मूंग, मसरी, ये सारी जो दालें होती हैं उनको कंबाइंडली वर्ड बोला जाता है पल्स। ये हमें प्लांट के किस पार्ट से मिलती हैं? प्लांट के जो सीड पार्ट होता है, सीड से हमें मिलती हैं। एलमंड भी वहीं से मिलते हैं और पल्स भी। नेक्स्ट इज पोटैटो एंड जिंजर। पोटैटो क्या होते हैं? आलू। जिंजर क्या होती है? अदरक। ये हमें प्लांट के किस पार्ट से मिलती है? स्टेम से, जो बिलो द पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज बिलो द सरफेस, जो धरती के अंदर वाला पार्ट होता है उनको बोलते हैं स्टेम। नेक्स्ट इज सेलरी एंड स्पेनिश। सेलरी होती है अजवाइन। आप लोगों ने आई थिंक जिन लोगों ने देखी है देन वेल एंड गुड, अगर जिन लोगों ने नहीं देखी वो अपनी मम्मा से बोलना कि मम्मा अजवाइन क्या होती है, सबके घरों पे ये अवेलेबल होगी, तो आपने वहाँ पे उनके सीड्स को आइडेंटिफाई करना है कि इसकी शेप्स ऐसी होती हैं, राइट। एंड स्पेनिश, स्पेनिश होती है पालक, राइट। ये हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट के किस पार्ट से मिलती है? लीफ से। नेक्स्ट इज एप्पल एंड ऑरेंज। ये तो अंडरस्टूड ही है कि ये फ्रूट होते हैं, प्लांट के किस पार्ट से मिलेंगे? फ्रूट से मिलेंगे। नेक्स्ट इज स्वीट पोटैटो। ये क्या होते हैं? शक्करकंदी। बीटरूट होते हैं चुकंदर। एंड कैरेट, अंडरस्टूड टू यू, कैरेट होती है गाजर। ये हमें कहाँ से मिलती है? प्लांट के रूट पार्ट से मिलती है, राइट। नेक्स्ट इज एनिमल एज अ सोर्स ऑफ फूड, कैटेगरी कंज्यूमर्स। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर का मीनिंग क्या है? कि पहले कुछ खाएंगे और उसके बाद जो उसके रिलेटेड थिंग होगी वो उसको ऑब्टेन करेंगे, उसको देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने फूड आइटम्स मेंशन किया है मिल्क। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है? बफेलो से, काओ से एंड कैमल से। ये जैसे हम एग्जांपल तीनों की सेम ही कैटेगरी के हैं। लेट्स टॉक अबाउट काओ। काओ को हम, काओ ले लो, बफेलो ले लो, इनकी एग्जांपल्स, बिकॉज ये हमारे घरों पे है। पहले हमें इसको चारा डालते हैं, वो खाती हैं और उसके बाद हमें मॉर्निंग और इवनिंग में हमें मिल्क देती हैं, राइट। आप मीनिंग समझ के कंज्यूमर्स क्या होते हैं? पहले ये खाती हैं, उसके बाद जो इसके रिलेटिव थिंग होती है वो हमें देती हैं। नेक्स्ट इज एग। एग हमें कहाँ से मिलता है? पोल्ट्री एनिमल से, हैन से, राइट। तो उनको भी फीड देनी पड़ती है पहले, फिर वो एग देती हैं। नेक्स्ट फिश, हैन, गॉट, इनसे हमें क्या मिलता है? मीट। इनको भी हमें फीड करना पड़ता है। नेक्स्ट इज फिश से हमें एक कॉड लीवर ऑयल मिलता है। कॉड लीवर ऑयल जो हमारी बॉडी के लिए जो इम्पॉर्टेंट होता है, कभी कभी किसी बच्चे की नज़र कम हो जाती है, बड़ों की भी कम हो जाती है, सो डॉक्टर उनको ये वाला कॉड लीवर ऑयल रिकमेंड करते हैं कि फिश खा जा, बोलते हैं उनको कि फिश खाओ बेटे, इस फिश खाने से तो जो आपकी डेफिशिएंसी है वो फुलफिल हो जाएगी, तो आप, आपकी नज़र है वो क्या होगी, आईसाइट क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज हनी। हनी हमें कहाँ से मिलता है? शहद कहाँ से मिलता है? हनी बीज से। सो दीज आर द टू सोर्स ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल। अब आपको पता चल गया कि प्लांट से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और प्लांट के किस पार्ट से हमें वो चीज़ें मिलती हैं। सेकेंड, फूड आइटम्स जो एनिमल से मिलती हैं, कौन कौन से एनिमल से क्या क्या मिलता है, ये सब आपको क्लियर हो गया, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। हमने लास्ट में बात की थी कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, इन शॉर्ट मैंने बताया था। अब यहाँ पे हम इनके कंपैरिजन करेंगे कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, इनकी कौन कौन सी एग्जांपल्स होती हैं, इनकी फीडिंग हैबिट्स क्या होती हैं, इनको डिटेल में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट प्रोड्यूसर्स।
इनकी डेफिनेशन करते हैं पहले. प्रोड्यूसर्स आर ग्रीन प्लांट्स. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये प्रोड्यूसर्स क्या हो गए? ग्रीन प्लांट्स हो गए जो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मींस जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर वाटर एंड सनलाइट. कौन से प्लांट के पार्ट से ये फूड प्रिपेयर करते हैं? थ्रू द लीव्स. लीव्स को जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है. जो प्लांट के लीव्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? किचन ऑफ प्लांट. बिकॉज जो प्लांट का फूड है वो कहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है? लीव से. इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? किचन ऑफ प्लांट. सो नेक्स्ट कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स क्या होते हैं? कंज्यूमर्स आर एनिमल्स. वो एनिमल्स होते हैं दैट कैनॉट प्रोड्यूस और सिंथेसिस देयर ओन फूड. जो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, खुद से बना नहीं सकते, उनको बोलते हैं कंज्यूमर्स. दे कंज्यूम फूड प्रिपेयर बाय अदर्स. ये दूसरों के द्वारा प्रिपेयर किया हुआ फूड को कंज्यूम करते हैं, राइट? मोड ऑफ न्यूट्रिएशन. मोड ऑफ न्यूट्रिएशन प्रोड्यूसेस का क्या हो गया? ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक मींस ये अपना जो न्यूट्रिएशन है वो अपने आप ही जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो डिफरेंट पार्ट में ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं. जो हिटरोट्रॉपिक होते हैं वो क्या होते हैं कि जो कंज्यूमर्स हैं वो अलग अलग चीज़ें खाते हैं, अलग अलग फूड, डिफरेंट काइंड के फूड को खाते हैं. तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया? हिटरोट्रॉपिक. मीन्स उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स अलग अलग फूड खाएंगे तो डिफरेंट हो जाएगा. हिट्रो मीन्स होता है डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डिपेंडेंस ऑन फूड. जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं. दे डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स. वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते. जो कंज्यूमर्स होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं बिकॉज वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते. जो प्रोड्यूसर्स हैं उसकी एग्जाम्पल्स क्या आ गई? प्लांट्स. जो कंज्यूमर्स हैं उसकी एग्जाम्पल आ गई एनिमल्स एंड ह्यूमंस. हम भी हैं, हम खाना अपने हाथों से प्रिपेयर करते हैं. जहाँ हमारे घर में कोई और पर्सन प्रिपेयर करता है तब जाके हम खाना खाते हैं. वही बात एनिमल्स की आ गई. अकॉर्डिंग टू फीडिंग हैबिटेट्स. जो एनिमल्स हैं सो यहाँ पे तो प्लांट्स की तो बात हो गई कि वो एक ही टाइप के होते हैं, और जो एनिमल्स हो गए वो डिफरेंट होते हैं. हर्बीवोर्स आ गए, जैसे हर्बीवोर, कार्निवोर एंड ओमनीवोर्स. इनकी फीडिंग हैबिटेट्स डिफरेंट होते हैं. अब हम बात करेंगे कि हर्बीवोर क्या होते हैं, कार्निवोर क्या होते हैं एंड ओमनीवोर्स क्या होते हैं. नेक्स्ट इज कंज्यूमर कंज्यूम्स ऑल द वे. जो कंज्यूम करते हैं, जो खाते रहते हैं ऑल द वे, उनकी हम अभी यहाँ पे बात करेंगे. जैसे हमने लास्टली किया है हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर्स. अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हर्बीवोर कौन से होते हैं, कार्निवोर कौन से होते हैं एंड ओमनीवोर्स क्या कौन से होते हैं, और इनकी करेंगे एग्जाम्पल्स. सो फर्स्टली हम कर रहे हैं हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स कौन से होते हैं? हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स दैट फीड ओनली प्लांट्स. जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, पेड़ पौधों को, घास फूस खाते हैं, उनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स. उसकी एग्जाम्पल्स आ गई गॉट, डियर, काउ, जेब्रा एंड एलिफेंट. नेक्स्ट इज कार्निवोर. कार्निवोर आर द एनिमल्स दैट फीड ओनली ऑन अदर एनिमल मीट. जो दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं उनको बोला जाता है कार्निवोर, जैसे कि लायंस एंड टाइगर, राइट? नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स आर द एनिमल दैट फीड ऑन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स. जो एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं उनको बोला जाता है ओमनीवोर्स, जैसे बियर, फॉक्स एंड मंकीस. ये क्लियर हुआ आपको कि हर्बीवोर्स क्या होते हैं?
कार्निवोर क्या होते हैं एंड ओमनीवोर्स कौन कौन से होते हैं. सो यहाँ पे मैंने एक कलरफुल बॉक्स में दिया हुआ है बोथ कार्निवोर एंड ओमनीवोर्स आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स. इनको हमने सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्यों कहा, क्योंकि ये दोनों जो कार्निवोर एंड ओमनीवोर्स हैं वो हर्बीवोर को खाते हैं. हर्बीवोर्स क्या हो गए, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, इनको खाते हैं तभी हम इनको बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स. नेक्स्ट प्रैक्टिशियन, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जैसे एक पहले एक्टिविटी मैंने दी थी स्टार्टिंग में, अब उसके नीचे ही आप लोगों ने ये क्वेश्चंस करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय प्लांट्स आर रेफर्ड एज प्रोड्यूसर्स. प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स क्यों कहा जाता है, हमने डिटेल में स्टडी किया कि क्यों कहा जाता है, तो वहाँ पे आपने उसका आंसर लिखना है. फिर सेकंड में व्हाट आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ए पार्ट में आपने इनकी डेफिनेशंस देनी है कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं एंड कंज्यूमर्स क्या होते हैं. बी पार्ट में आपने करना है टू गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, इन दोनों की टू एग्जाम्पल्स देनी है. थर्ड डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग्स, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हिटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हमने रिसेंटली बात की है कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं और हिटरोट्रॉपिक कौन से होते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स लिख देनी है कि ये वाले जो जैसे प्लांट्स क्या होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, हिट्रो में कौन से आते हैं एनिमल्स एंड ह्यूमंस, तो आपने यहाँ पे वो लिखना है. इसको ये टेबल मैंने इसीलिए बना के दिखाया कि आप लोगों ने इसका आंसर भी ऐसे तरीके से करना है सो आपको कंपैरिजन करना इजी हो जाए. ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको सब समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी डाउट है, डाउट होगा किसी भी बच्चे का, तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो हम आपके डाउट क्लियर करेंगे. थैंक यू.